हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि घर पे आप बायो एंजाइम किस तरह से बना सकते हैं। सो बायो एंजाइम का यूज़ हम अपने घर को क्लीन करने में भी कर सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक क्लेंजर है, साथ ही साथ हम अपने प्लांट्स पे यूज़ कर सकते हैं फॉर पेस्ट रिपेलेंट और उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए एज अ फर्टिलाइज़र। तो किसी भी बायो एंजाइम को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहला है जागरी या गुड़। ये गुड़ ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में थोड़ा चूरा बचता है वो है। अगर आप चाहें तो गुड़ के ब्लॉक्स को भी कूट के इस तरह से चूरा बना सकते हैं, वरना नॉर्मल ब्लॉक्स को भी डाला जा सकता है। और ये सिट्रस बायोएंजाइम हैगा, तो ये संतरे के जो छिक्कल होते हैं उन छिक्कलों को सुखा के उन्हें ओखली में कूट लिया हैगा मैंने, और ये वो है। और इसके अलावा जो तीसरा इंग्रेडिएंट हैगा वो हैगा पानी, नॉर्मल टैप वाटर या टंकी का पानी, जो भी आप लेना चाहें। नॉर्मल पानी जो हम घर में यूज़ करते हैं वाला पानी हैगा। अगर आप चाहें तो आप संतरे के इस पाउडर की जगह इस तरह से संतरे के छिक्कलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी और सिट्रस फ्रूट के छिक्कल जैसे कि नींबू, मौसम्बी, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। मगर मैं इन्हें सुखा के कूट के रख लेता हूँ ताकि ये पूरे साल भर मेरे पास रहें, जब ये बायोएंजाइम ख़त्म हो जाए तो दोबारा बन सके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस पाउडर का यूज़ किया है। तो आपको बायोएंजाइम बनाने के लिए ये तीनों चीज़ किस प्रोपोर्शन में चाहिए वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जो जैगरी है, गुड़, ये फर्मेंटेशन का काम करता है। ये ए वन पार्ट, मतलब जिस भी कटोरी से आप नापेंगे तीनों इंग्रेडिएंट, तो एक कटोरी गुड़ और तीन पार्ट होगा आपका जिसका एंजाइम बनेगा। जैसे यहाँ पे सिट्रस बायोएंजाइम है तो सिट्रस पील्स हैं, तो ये तीन पार्ट, मतलब एक कटोरी गुड़, तीन कटोरी सिट्रस फ्रूट के पील्स या संतरे के छिक्कल या जिसका भी बायोएंजाइम आप बना रहे हैं। जैसे अगर प्लांट्स के लिए बना रहे हैं तो आप बनाना बायोएंजाइम, मैरीगोल्ड बायोएंजाइम, बहुत सारे बायोएंजाइम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर क्लीनिंग पर्पस बना रहे हैं तो सिट्रस बायोएंजाइम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे पेस्ट रिपेलेंट होते हैं। और जो पानी हैगा उसका प्रपोर्शन होगा 10। सो जो गुड़ है वो 1:3 सिट्रस पील्स 10, मतलब एक कटोरी गुड़, तीन कटोरी जिसका भी आप बायोएंजाइम बनाएंगे जैसे यहाँ पे संतरे के छिक्कल, और 10 कटोरी या 10 पार्ट पानी का। सो सबसे पहले आपको कोई भी एक वेस्ट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बोतल लेनी है जिसका ऊपर से मुंह पतला हो, चौड़ा ना हो। और प्लास्टिक की बोतल इसलिए क्योंकि इसमें गैस बनती है और उसकी वजह से प्लास्टिक की बोतल एक्सपैंड हो जाती है। मगर अगर आप ग्लास की बोतल लेते हैं तो उसका टूटने का या एक्सप्लोजन होने का खतरा रहता है। सो सबसे पहले हम अपनी इस एम्प्टी बॉटल में गुड़ डाल लेंगे, फिर हम सिट्रस एंड का ये जो छिक्कल हैं इसको डाल देंगे और फिर पानी डाल देंगे। तो ये देखिए गुड़ डाल दिया है मैंने। इसके अलावा आप एक चीज़ का इस्तेमाल और कर सकते हैं, अगर आपके पास यीस्ट हो, खमीर जिसे हम उठाते हैंगे ब्रेड वगैरह में, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ये बायोएंजाइम थोड़ा जल्दी बन जाता हैगा, करीबन 2 महीने के अंदर अंदर बायोएंजाइम बन के तैयार हो जाता है। सो गुड़ डालने के बाद अब हम इसमें 3 पार्ट ये सिट्रस पील्स डालेंगे। सो अब हमने इसमें वो संतरे के जो छिक्कल थे वो डाला है और गुड़ डाला हैगा। सो अब इसके बाद इसी टाइम पे आप चाहें तो इसमें यीस्ट डाल सकते हैंगे, यीस्ट टैबलेट या नॉर्मल यीस्ट। उसके बाद में अब देखिए जिस कटोरी से मैंने गुड़ और संतरे के छिक्कल नापे थे उसी में पानी 10 कटोरी नाप के मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। तो ये इसमें अब मैंने पानी भी डाल दिया हैगा। उसके बाद में इसका आप देख सकते हैं थोड़ा स्पेस ऊपर का, करीबन 10 कप्स वाटर डालने के बाद में थोड़ा स्पेस बॉटल का खाली हैगा, करीबन हाफ से थोड़ी ज़्यादा बॉटल खाली है। अब इसको हमें अच्छे से टाइटली कैप कर देना हैगा और सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है, जैसे आपके किचन का कैबिनेट हो जहाँ सिंक लगा हो, मतलब डार्क प्लेस हो और ठंडी जगह हो, सूखी, ड्राई, डार्क, अंधेरे वाली और कूल, बहुत गर्म जगह ना हो। और बस इसे आपके पास अगर दिन में एक बार टाइम हो तो हल्का सा हिला लीजिए
और अगर हिलाएंगे नहीं भी, देखिए जब इसको शेक करेंगे तो इसमें गैस बन रही है, इसी तरह ये गैस ऊपर इतने तक फिल हो जाएगी, इसीलिए हमने ये जगह छोड़ी। अगर हम ऊपर में जगह नहीं छोड़ेंगे तो ये गैस एक्सपैंड होगी और बॉटल फट जाएगी, क्योंकि उसको एक्सपैंडिंग के बाद जगह नहीं मिलेगी। अब इस तरह से जो भी गैस प्रोड्यूस होगी वो इस खाली जगह में एक्सपैंड होती रहेगी, और दिन भर में एक बार आपको इस तरह से बस ढक्कन को एक बार खोलना हैगा और इस तरह से गैस निकाल देनी है, फिर इस ढक्कन को बंद कर देना है। ये प्रोसेस आपको सिर्फ 1 महीने तक करना है, ढक्कन खोलना और बंद करना। शुरू में गैस थोड़ी ज़्यादा बनेगी और धीमे धीमे करके गैस कम होती चली जाएगी। उसके बाद में इसे 2 महीने बिल्कुल छूना नहीं है, बीच बीच में अगर आप चाहें तो इसे हिला लीजिएगा, बाकी गैस नहीं बनेगी, 1 महीने तक ही गैस बनेगी। दो और बाकी 3 महीने लगते हैं एक बायोएंजाइम को पूरी तरीके से तैयार होने में, उसी के बाद इसको यूज़ करने के लिए ये रेडी होता है। सो इसका इस यूसेज आप 1 लीटर पानी में 10 ml करके कर सकते हैं, अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, फॉलियर स्प्रे या सॉइल में डाल सकते हैंगे। और उसके अलावा इसके साथ आप अपना किचन स्लैब, सिंक, शीशे, घर के जो होते हैं वो सब क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, पेस्ट कंट्रोल और क्लेंसर होता है। तो आप भी अपने घर में इस बायोएंजाइम को ज़रूर बनाइए। जो भी आपका वेस्ट जनरेट होता है, जैसे कभी आपने जूस बनाया है घर पे फलों का, और जूस आप खुद पीजिए, अपने आप को ताकत दीजिए, और उसके बाद उसके छिलकों से इस तरह का बायोएंजाइम बना के अपने पौधों को भी ताकत दीजिए। या फिर अगर सिट्रस फ्रूट्स के आप जूस पी रहे हैं या नींबू पानी पियेंगे अभी गर्मियों में, तो उसके छिकल मत फेंकिए, उन्हें इस तरह से बायोएंजाइम बना के यूज़ कीजिए और अपने घर को भी साफ़ रखिए। एक पुराना बायोएंजाइम मैंने बना के रखा है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। एक पुराना बायोएंजाइम है जो कि 1 हफ्ते पुराना हैगा। सो इसमें आप देख सकते हैं बॉटल टाइट है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें गैस बनी है और इसमें ऊपर का स्पेस इसी गैस के लिए खाली है। तो इस तरह से जब आप गैस इसे खोलेंगे तो एक साउंड आएगा, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक बॉटल खोलने पे साउंड आता आएगा एयर पास होने का, और एक फ्रूटी सी लेमन और फर्मेंटेड फ्रूट्स की खुशबू आएगी इसमें से। बायोएंजाइम बिल्कुल बदबू नहीं करता आएगा कभी भी। अगर आपके पास पहले से ही बायोएंजाइम बना रेडी हो, जैसे कि मेरे पास अभी नहीं था, पुराना जो था मेरा वो ख़त्म हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। सो अगर आपके पास रेडी हो और ईस्ट ना हो घर पे, तो इस तरह से जब आप दोबारा कोई बायोएंजाइम बनाएं तो उसमें थोड़ा सा 10 ml के आसपास या करीबन आधी कटोरी के आसपास, जिस कटोरी से आपने बाकी का सामान नापा था उस बायोएंजाइम को भी डाल देंगे, तो ये बायोएंजाइम जो आपका तैयार होगा वो थोड़ा सा जल्दी होगा। जैसे नॉर्मली 3 महीने लगते हैं, तो 2 से 2.5 महीने के अंदर आपका अगला बायोएंजाइम तैयार हो जाएगा। सो आप भी अपने घर में बायोएंजाइम सो फ्रेंड्स आप भी अपने घर में बायोएंजाइम ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।